कर रहे हैं NHPC की। आज के दिन की बात करें तो NHPC में हमको फ़िलहाल छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन दोस्तों चार्ट पैटर्न पर एक नज़र डालो कि आज के दिन हमको ऑलमोस्ट 100% का जंप स्टॉक ने दिखाया था। कहाँ तक का जंप स्टॉक ने दिखाया? ऑलमोस्ट 100% का जंप स्टॉक ने देखने के लिए मिला स्टॉक में। और आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियोस में कि 9800 का जो लेवल है छोटा मोटा नहीं, मेजर रेजिस्टेंस है, और 100 के लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है और आप साइड के लिए और तेज़ी के लिए। और देख सकते हैं स्टॉक ने गिरावट के बाद जब बाउंस बैक किया है तो ऊपर की ओर ही ट्रैवल करता हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हाईली चांस बनेंगे 100 के ब्रेकआउट के और अप साइड के, और इसमें हमको अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। अब जैसे देखते हैं गिरावट आती है तो 96 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ से जंप दिखाया था स्टॉक ने। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 92 का लेवल, जहाँ से बाउंस बैक किया है, और 90 का सपोर्ट जो है मेजर सपोर्ट रहेगा NHPC के लिए। अब चार्ट पैटर्न को हम देखें तो गिरावट के बाद स्टॉक में जंप आता है तो आपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से गिरावट आ रही है तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पर ही स्टॉक यहाँ से अगेन बाउंस बैक दिखा सकता है। तो अब नज़र रहेगी 9800 के ही लेवल पर, ये अपना टारगेट रहेगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक अपने लिए ये टारगेट रहेगा और मेजर रेजिस्टेंस भी रहेगा, लेकिन चांस बने हुए 100 के लेवल के ब्रेकआउट के। अगर 100 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा 105 के लेवल पर, जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन के साथ गिरावट दिखाई थी। 100 के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 105 का लेवल, और इसी लेवल का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट रहेगा फिर हमारे लिए, क्योंकि मल्टीपल्स टाइम यहाँ स्टॉक ने रिजेक्शंस लिया था 105 के लेवल पर। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता तो फिर आप साइड देखने के लिए मिलता, लेकिन रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट दिखाई है। तो 105 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो उसके बाद नेक्स्ट हमको फिर बड़ी तेज़ी 108-110 का लेवल, और इस लेवल को ब्रेकआउट करके 120 तक का जंप दिखा सकता है, जहां से दो दफ़ा हमने रिजेक्शन देखा है। दो दफ़ा 120 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, लेकिन इस दफ़ा ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। अगर 120 के आसपास सस्टेन हो गया स्टॉक तो वैसी कंडीशन में फिर 120 का ब्रेकआउट फिर 130 से लेके 140 तक के भी टारगेट NHPC दिखा सकता है। हमको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के चलने होगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।